महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में स्थित चंद्रादित्येश्वर महादेव 84 महादेवों में 72वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शंबर राक्षस ने पुराने समय में देवताओं को जीत लिया। राहु द्वारा चंद्र को ग्रस्त देखकर सूर्य ने अपने सारथी अरुण से कहा, भाग चलो, इंद्र वरुण यम कुबेर का पता नहीं चल रहा था। इसी समय चंद्रमा उपस्थित हुए। उन्होंने सूर्य से देवताओं के पतन की कथा कही। तब चंद्र और सूर्य अरुण के रथ पर सवार होकर विष्णु जी के पास गए, उनकी स्तुति की। तब जगन्नाथ ने कहा, शंबर को ब्रह्मा का वर प्राप्त है, वह इंद्र के व्रत से भी नहीं मरेगा। तुम अवंतिकापुरी में जाओ, वहां महाकाल के उत्तर में एक मनोकामना पूर्ण करने वाला लिंग है, उस लिंग की ज्वाला से शंबर की मृत्यु होगी। तब चंद्र और सूर्य उस लिंग के पास गए। लिंग के मध्य से उनको आश्वासन देने वाली वाणी उत्पन्न हुई, शंबर की मृत्यु हुई, राहु केतु भी नियम में बांध दिए गए, इंद्र को अपना लोक मिला। तब अन्य देवता वहां आए, उन्होंने इस लिंग का नाम चंद्रादित्येश्वर रखा। जो मनुष्य चंद्रादित्येश्वर का पूजन दर्शन करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को जो चंद्रादित्येश्वर का दर्शन करते हैं उन्हें यमलोक नहीं भोगना पड़ता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।